आइए जानते हैं ऋतिक रोशन के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। बचपन में ऋतिक रोशन अपने पापा को असिस्ट किया करते थे उनके मूवी सेट्स में, जहां पर उनका पता है काम क्या था, उनको चाय सर्व करनी होती थी और उनको फ्लोर में झाड़ू भी लगानी पड़ती थी। साथ ही ऋतिक, जो कि आज अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए काफी ज्यादा तारीफ पाते हैं, एक टाइम था जब उनको डॉक्टर ने मना किया था डांस करने के लिए, वो भी 21 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने खुद फाइट किया, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अपनी डांसिंग स्किल्स दिखा दी और दीवाना बना दिया। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के वन ऑफ द फिफ्थ बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका वैक्स स्टैचू मैडम टुसॉड म्यूजियम में है। क्या आपको ये भी पता है, ऋतिक रोशन का पहला पेचेक मात्र 100 रुपए का था। जब वो 9 साल के थे तब उनको फिल्म आशा में डांस करने के लिए 100 रुपए का चेक मिला था। वैसे ऋतिक रोशन को डांसिंग के लिए, एक्टिंग के लिए तो जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है ऋतिक रोशन एक सर्टिफाइड डाइवर भी है। वैसे एक मजेदार बात तो ये भी है कि ऋतिक ने हम सब की तरह स्कूल भी किया है, वो भी जब वो 6 साल के थे, और वो कई तरह के बहाने बनाते थे। वो कहते थे या तो वो बीमार पड़ गए हैं, या फिर उनका हाथ टूट गया है, या फिर उनको कोई मोच आ गई है, और इस तरह के बहाने बनाकर वो स्कूल से बंक भी कर लेते थे। वैसे हर किसी को लगता है कि ऋतिक रोशन का लास्ट नेम रोशन है, लेकिन ऋतिक रोशन का ऑफिशियल सरनेम है नागरथ।